लो जी आ गए कनेडा, हर पंजाबी का सपना कनेडा आना। लेकिन अभी देखते हैं, अभी आगे जाके अभी इमिग्रेशन पे देखते हैं क्या सीन होता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज अभी मैं हूँ बार्सिलोना के फेमस प्लाजा दे कतालूनिया में, और मैं ले रहा हूँ बस एयरपोर्ट की, क्योंकि हम जा रहे हैं आज कनाडा फाइनली। तो 10 घंटे की फ्लाइट है बार्सिलोना से, मेरे को मिली है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में वेस्ट जेट विद 10 kg बैगेज। तो मेरा जो पीछे वाला बैग है ये 10 किलो का है, तो उसमें अलग अलग पैकेजेस होते हैं। 23 किलो का पैक, मतलब बैग के अलग रेट होते हैं, 10 किलो के अलग रेट होते हैं। तो ये देखिए सामने ही है ये एरो बस, तो ये मैंने बुक करी थी। मतलब अगर आप आओगे ना बार्सिलोना, तो ये जो इलाका है सेंट्रल प्लाजा दे कतालूनिया, बहुत ही सही इलाका है। ये लोग खड़े लाइन बना के, अपने को भी जाना है इसी में ही बस में। तो मैंने ऑनलाइन ले ली थी टिकट पहले इसकी, या फिर यू कैन कम हेयर एंड बाय इट बिफोर ऑल्सो। चलो अभी चलते हैं, 10 घंटे की फ्लाइट है कनाडा के लिए। चलो जी पहुंच गए, मतलब आधे घंटे में पहुंच गए यार यहाँ पे। आप ये चेक कर लेना यहाँ पे अपनी, जब भी आपकी फ्लाइट हो तो कौन से टर्मिनल से। तो मेरी T2 से है, यहाँ पे T1 भी है, और T2 में भी पता नहीं क्या ABC 3-4 हैं। देखते हैं अंदर जाके क्या हाल है। वेस्ट जेट मैंने चेक तो करा है कि T2 से ही जाएगी, बताते हैं आपको अंदर जाके क्या सीन रहता है। देखो इस बोर्ड पे ये तो लिखा हुआ है कि कंफर्म हो गया कि बी पे ही है। अभी ढूंढते हैं वेस्ट जेट कहाँ पे लिखा है। और मतलब मेरे पास बोर्डिंग पास तो ऑलरेडी है वैसे, और मैं लगेज भी ले जा रहा, बट फिर भी अभी पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या सीन है, टाइम तो बहुत पड़ा है अभी। ये देखो ये रहा वेस्ट जेट, अभी यहाँ पे जाके पूछ लेते हैं भाई क्या सीन है, देख लो मेरा वेट वगैरह चेक कर लो बैग का, ताकि बाद में दिक्कत मत करना। पैर बंदी सही थी, उसने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया और मेरा बैग चेक ही नहीं कर दिया। मेरा बैग एग्जैक्टली 10 किलो का था, एग्जैक्टली 10 किलो का। तो बोली कि ठीक है तू कहीं कैरी करेगा, मैं तेरे को चेक ही नहीं कर देती हूँ फ्री में। मैंने कर दे भाई सही है। तो अभी इधर ऊपर जाना है बोर्डिंग गेट पे, सिक्योरिटी चेक होगा, चलते हैं। तो एक्चुअली मैं कुछ जल्दी ही आ गया एयरपोर्ट पे, लेकिन लकीली यहाँ पे जो लाउंज है बार्सिलोना एयरपोर्ट पे, तो इससे प्रायोरिटी पास भी चलता है और रुपए का मेरे पास कार्ड है वो भी चल जाता है। तो काफ़ी कुछ खाने पीने के ऑप्शन है, इंडिया की लाउंज से बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है यहाँ पे। दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा पहले मैं शुरू कर लूँ अपना पेट पूजा, फिर दिखाता हूँ आपको। तो लाउंज दिखा दी मैंने आपको, खाने पीने का काफ़ी सामान है यहाँ पे। अब जो दिक्कत वाली बात ये है कि आजकल कनाडा में जो अराइवल पे दे गिव यू लाइक, मतलब क्या होता है, वैसे तो वीज़ा पे यू कैन स्टे 6 महीना राइट, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं वो आपको एंड मतलब एग्जिट डेट दे रहे हैं कि इस डेट तक निकल जाओ यहाँ से। तो मैंने रिटर्न फ्लाइट तो बुक कर लिया एक, मतलब 3 वीक्स बाद की करी है, और स्टे भी बुक कर लिया है 2-3 दिनों का। और बाकी मैं बता दूंगा इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे, सभी भाजी हैं, तो उनके पास रहूँगा मैं, उनका नंबर एड्रेस वो सब नोट कर लिया मैंने। अब बस यही चीज़ हो रही है, धक हो रही है कि 6 मंथ्स की एंट्री मिलेगी या फिर 3 वीक्स की एंट्री मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी रिटर्न फ्लाइट जो बुक करी है वो 3 वीक्स की बुक करी है अभी। तो अगर तो मिल गया लंबा स्टे तो फिर हम लंबा रुक सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ है देखने कनाडा में। तो हाँ बस अभी 1 घंटे में फ़्लाइट है, ये पीछे आ रहे हैं टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ, और अभी है थोड़ा और टाइम, थोड़ा और खाते पीते, दारू वगैरह भी है यहाँ पे वैसे, बट मे बी एक आधी बियर वगैरह ले लेते हैं। और फिर 10 घंटे की फ़्लाइट है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है फ़्लाइट के अंदर, खाना वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता बताऊँगा आपको मैं, दिखाता रहूँगा आपको वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। भाई यार लाउंज के मज़े में ना मैं भूल गया कि अपनी इमिग्रेशन तो हुई नहीं थी, मतलब वो यहाँ पे उल्टा है सीन है कि आप सब कुछ करके आ जाते हो फिर आपकी इमिग्रेशन होती है। यहाँ पे मेरा एग्ज़िट हुआ, मतलब शेंगेन एग्ज़िट हो गया, और अभी इधर ही है फ़्लाइट अपनी। तो अभी 15 मिनट हैं बोर्डिंग में। मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि अभी जो मैं यूरोप में, मेरे पास जो डेटा था ना, मेरे पास जो ई सिम था वो था 28 डेज़ का, 28 डेज़ ख़त्म हो गए थे, मेरा स्टे थोड़ा ज़्यादा हो गया था यहाँ पे। तो मैंने इस बार ग्लोबल ई सिम ले लिया, मेट्रिक से ही लिया मैंने, वो ग्लोबल ई सिम चलेगा, यूरोप में भी चलेगा और वहाँ चलेगा कनाडा में भी चलेगा। तो जब मैं लैंड करूँगा तो मेरे पास ई सिम होगा कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, कुछ अगर दिक्कत होती है मेरे को, अगर मुझे करना पड़ेगा कॉल वगैरह करना पड़ेगा सभी भाजी को या किसी को भी,
तो मेरे पास डेटा रहेगा उसके लिए। तो ये मुझे पड़ा है तकरीबन 12 GB है 28 डेज़ का, मुझे पड़ा है 2000 रुपये का, और इसमें कॉलिंग भी आप ऐड कर सकते हो और डेटा तो है ही। तो अभी बस बोर्डिंग चालू होने वाली है, आपको दिखाते हैं कि फ़्लाइट कैसी है अंदर से। लो जी आ गए कनेडा, हर पंजाबी का सपना कनेडा आना, लेकिन अभी देखते हैं, अभी आगे जाके अभी इमिग्रेशन पे देखते हैं क्या सीन होता है। बैगेज भी लेना है, इमिग्रेशन करनी है, फिर साबी पाजी आगे होंगे मुझको पिक करने, तो देखते हैं क्या बनता है। तो यार सब कुछ काफ़ी स्मूथ रहा, पहुंच गए हम कनेडा। अब साबी पाजी को ढूंढते, बात करेंगे घर जाके कि क्या हुआ डिटेल में ना, इधर ही होंगे पाजी बाहर, फिर जाके बात करते हैं घर पे। आजी तो आ गए भाई कनाडा, और साबी भाजी हमारे क्या पेट ड्राइवर नॉर्वे का पूरा ट्रिप भाजी ने ड्राइव करा, और अभी कनाडा में भी ऑलमोस्ट भाजी ट्राई करेंगे, मैं तो बस आज करने आया हूँ तो अच्छा फ्लाइट यार, वेस्ट जेट की फ्लाइट एकदम नई शानदार फ्लाइट, सीट बड़ी अच्छी सीट, टच स्क्रीन सारी काम कर रही थी, मूवीज मैंने 3-4 मूवी देख डाली, और खाना भी अच्छा, उनका सब कुछ अच्छा था। जो चलो ठीक है, ज़्यादातर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे कि मेरा इमिग्रेशन पे क्या एक्सपीरियंस रहा। भाजी मैं ऐसे ही मैं बहुत डरा हुआ था इस बात पर ना कि पता नहीं वो मेरे को लिमिटेड एंट्री ना दे रहे, क्योंकि इतनी चल रही है वीडियो आजकल, रील चल रही है ये वो कि पंजाबी लड़कों को ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या सीन हुआ, मैं जैसे ही लैंड करा, पहले कुछ मशीन सी होती है ऑटोमेटिक सी, उसमें आप अपना डेटा डालते हो कि भाई आपने कब तक वापस जाना है, क्या करने आए हो आप, आपकी फोटो खींचता है, आपका पासपोर्ट स्कैन करके ना अपने आपकी फोटो कहता करता है दिवांग, और फिर फोटो लेता है कि हाँ सब कुछ मैच कर लिया उसने, फिंगरप्रिंट लगा दो तुम, फिर तुम्हें एक पर्ची निकालती है तुम्हारे पास, फिर वो तुम जाते हो आगे एक ऑफिसर के पास, उसने मुझसे पूछा कि भाई कितना कैश लेके आए, कितना कार्ड है, कार्ड में पैसे कितने हैं, और बोला कि अच्छा यू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, क्या करता है इंडिया में तू, मैंने बताया ये सब, बोला कि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं कहा हाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं यहाँ पे 2-3 शहरों में, कहाँ कहाँ जाएगा, बस मतलब एक मिनट का उससे सवाल पूछे कर आ जाओ। तो अगर तो आपको ऐसे बोल दे कि जाओ, तो आपकी एंट्री 6 मंथ्स है ना, तो 6 मंथ्स का आप स्टे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे बोल दिया कि नहीं भाई अभी अच्छा क्या सीन है तुम्हारा, ज्यादा तुमसे क्वेश्चनिंग कर लिया, तुम्हें पर्ची दे दी बाद में कि यू हैव टू एग्जिट इस तारीख तक, तो फिर दिक्कत है। बस मुझे वही डर था कि वो ना हो जाए, तो वो नहीं हुआ, तो अभी तो मतलब स्काई इज द लिमिट की, अब तो मतलब बंदे पूछे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे कि पाजी ये आपके रूट में प्लान में है ये शहर है, अब तो मतलब हर शहर ही है प्लान में, तो मेरे ख्याल से तो आई डोंट नो 2-3 महीने तो आराम से, तो काफी कुछ मेरे ख्याल से ऑडियंस ना बोर हो जाए उसके बाद में ना कनाडा की वीडियो देख देख के थोड़ी देर बाद देखते हैं, चलो जो भी जैसे भी होगा। और बाकी हाँ बस एयरपोर्ट पे पाजी एक्चुअली किसी को ड्रॉप करने आए हुए थे, फिर मेरा वही मैंने बताया ना मेरे पास जो सिम कार्ड मैट्रिक्स का इस बार, तो मैं लैंड किया, चल रहा है यहाँ पे भी डेटा मस्त चल रहा है मेरा उसका, तो वही मैंने लिया था मैट्रिक्स की वेबसाइट से, 12 GB है फॉर 28 डेज 2000 रुपये में। तो बाकी सिम कार्ड भी हो गया, अभी इमिग्रेशन भी होगी, सब कुछ बता दिया मैंने आपको क्या सीन है। अभी हम जा रहे हैं अभी कैसे जा रहे हैं एडमंटन की ना आया तो अभी वही जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और हमारे यूट्यूबर दोस्त है, तो बस देखते क्या पता, कुछ प्लान नहीं है कि क्या करना है मुझे ट्रिप में, अभी तो कुछ दिन रेस्ट करूंगा, बस 1 महीना हो गया घूमते हुए ना, थोड़ा सा अभी होमली फीलिंग, अभी हम पाज गए कहीं पे भी गए रिश्तेदार के पास कहीं, तो भाई एकदम मतलब समोसे और बेसन वाली बर्फी घर की बनी हुई, मतलब लगा रहे पंजाब में आ गए वापस, तो वही मतलब मुझे पता था ऐसा होगा, ये वाली फीलिंग मुझे पता था कि ऐसे ही होनी है कि
ऑलमोस्ट फील लाइक पंजाब। तो मतलब वही लोग भी ऐसे दिख रहे हैं सारे अपने देसी और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे कि क्या है ये, मतलब गाड़ियां ही गाड़ियां और बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं। और आई डोंट नो, मुझे काफी लोगों ने बोला कि कनाडा विल बी बोरिंग फॉर यू, बट लेट्स सी कैसा क्या होता है। तब अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में शायद मे बी हम बैंफ ही जाएंगे, पता नहीं, मे बी। तो या सी द नेक्स्ट वन, गुड बाय फॉर नाउ।